सभी साथियों को जिंदाबाद, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। साथियों, आपका अखिल भारतीय किसान समिति के पेज पर और एसकेएम का जो पेज है, एकता किसान एकता मोर्चा के पेज पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम ये फेसबुक लाइव कार्यक्रम का आज हमारा पांचवां है और हम लगातार पिछले चार दिन से रोज 12 वक्ता 12 राज्यों के 12 संगठनों के हम लोग हैं और वो 26 मई को दिवस कार्यक्रम है। 7 साल मोदी सरकार के कुशासन के पूरा होने पर उस पर हम लोग कार्यक्रम करते हैं। मैं आग्रह करूंगा म्यूट करेंगे तो अच्छा होगा, डिस्टर्बेंस आ रहा है, या फिर स्वीटी जी आप सबको म्यूट कर दीजिए। हम लोग सीक्वेंस से चलेंगे, एक के बाद एक कर सकते हैं। तो साथियों, आज तक जो बातचीत हुई है, पिछले लगातार चार दिन तक जो बातचीत चली है, उस बातचीत से बात उभर कर आई है कि ये आंदोलन केवल किसानों के 3 बिल का या बिजली बिल का या MSP का आंदोलन नहीं है, ये इस समय देश को बचाने का आंदोलन है, भारत के संविधान को बचाने का आंदोलन है, भारत की संस्कृति को बचाने का आंदोलन है, भारत के लोकतंत्र को बचाने का आंदोलन है। ये बात उभर करके सभी वक्ताओं के माध्यम से आई है। साथियों, आज जो कुछ विशेष है वो ये है कि आज पहली बार मुझे लगता है कि शायद जब से किसान संघ बना, मतलब RSS का जो फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है, पहली बार वो खुल करके इस किसान आंदोलन के खिलाफ में आया है और ये हम लोगों के लिए खतरे की घंटी भी है और हम लोगों के लिए बहुत अच्छा भी है। खतरे की घंटी इस तरीके से कि अब वो किसानों के बीच में आमने सामने की लड़ाई कराना चाहते हैं। जैसे वो बराबर ये कोशिश करते रहे हैं कि पहले उन्होंने बॉर्डर्स पे जो कोशिश की थी कि आसपास के गुंडों को भेज करके, RSS और संघ और BJP के लोगों को भेज करके वो कन्फ्रंटेशन कराएं, तो वहां बॉर्डर्स पे तो वो फेल हो गए, लेकिन अब पूरे देश के गांव-गांव में जहां कहीं पर भी किसान संघ का अपना नेटवर्क है तो वो लोकल लेवल के ऊपर जो है वो कॉन्फ्लिक्ट कराना चाहते हैं। हम इसकी SKM की ओर से और अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय की ओर से हम इसकी घोर निंदा करते हैं। जो संगठन अपने आप को किसानों का संगठन कहता हो, वो MSP पर के कानूनी अधिकार के खिलाफ अगर खड़ा हो जाता है और इन 3 कानूनों के पक्ष में खड़ा हो जाता है तो ये साफ हो जाता है कि उसका कोई लेना देना जो है वो किसानों से नहीं है, उसका सीधा लेना देना राजनीतिक दल से है, सीधा लेना देना उसका कॉरपोरेट से है, ये बात एकदम साफ है। और मैं अनुरोध करना चाहता हूं सभी वक्ताओं को भी और सभी संगठनों को भी, 850 संगठनों को, कि इस बात को नोटिस लेकर के उनको जरूर बयान अपना जारी करने का काम करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही अलार्मिंग ये स्थिति है। और मैं ये समझ सकता हूं कि वो अलार्मिंग स्थिति ये बनी है क्योंकि कल मोदी सरकार का पुतला दहन होना है, हमारे दो का पुतला दहन में वो करने वाले हैं, इसलिए शायद उन्होंने ये तैयारी गांव के स्तर पर की है, तो ये एक किस्म की सतर्कता बरतने की बात भी है। ये मैं कहना चाहता हूँ। इसी बात में बधाई देना चाहता हूँ हिसार के किसानों को, हरियाणा के किसानों को, जिन्होंने कल एक आपको मालूम है कि हरियाणा में एक ऐसी सरकार है जो खुल करके चुनौती दे रही थी और उसने कहा था कि पंजाब से एक भी किसान जो है वो हरियाणा को क्रॉस नहीं कर सकता, और वहां पर जो हरियाणा के संगठन है उन्होंने ताकत लगाई है, उसके चलते हिसार में सभी मुकदमे जो लादे गए थे जब CM आया था खट्टर 500 लोगों के साथ में, और जो है वहां पर लाठी चार्ज हुआ था, जिस तरीके से दमन वहां पर हुआ था, जिस तरीके से महिलाओं ने उसे चुनौती दी थी, उसके बाद में कल का जो एक ऐतिहासिक प्रदर्शन हुआ उसके अंदर सरकार को पीछे हटना पड़ा और ये बात साबित हो गई है जो बात हम कहते रहे कि बहुत ही जल्दी ऐसा होगा कि देवीलाल या चौटाला का जो परिवार है, उसकी पार्टी है, उसको जल्दी ही पीछे हटना पड़ेगा और हरियाणा की सरकार जाएगी। तो साथियों, हम लोग अब तक जो फेसबुक लाइव में चर्चा करते रहे हैं वो हमारी चर्चा रही है कि हम लोग 11 अप्रैल 1900
36 के अंदर ये कांग्रेस के अधिवेशन के अंदर ही जो है वो अखिल भारतीय किसान सभा बनी थी। और इस देश के अंदर जितनी प्रोग्रेसिव स्टीम है, चाहे वो सोशलिस्ट हो चाहे वो लेफ्टिस्ट हो, उनके जितने भी संगठन हो, उनकी सबकी जो बुनियाद है और जो शुरुआत है वो वहां से होती है। उसके बारे में मैं पहले बात कर चुका हूं, इसलिए दोहराने का काम नहीं करूंगा। लेकिन आजादी के बाद में जो आंदोलन नंदूर स्वामी जी के नेतृत्व में चला उत्तर प्रदेश के अंदर, और मैं शरद जोशी जी का भी नाम लेना चाहूंगा, हालांकि उनकी पॉलिसीज के हम लोग खिलाफ हैं, फ्री मार्केट की पॉलिसीज के वो पक्षधर थे, लेकिन उन्होंने एक किसान आंदोलन की एक पहचान बनाई और एक ताकत उन्होंने खड़ी की। तो हम उस पूरी जो अपनी रूट्स हैं उसके अंदर तमाम गोली चालन हुए। मैं जहां से आता हूं मुल्ताई से, वहां भी 24 किसान साथी शहीद हुए, और जहां से ये अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति बना मंदसौर, उसका भी 6 जून को उसकी भी बरसी आने वाली है, वो भी मैं सब किसान संगठनों को याद दिला रहा हूं, और जो सब साथी देश के अंदर किसान आंदोलन के समर्थक हैं उनको भी याद दिला रहा हूं कि 6 जून का भी हमको याद रखना है, क्योंकि हमारी जो पूरी बुनियाद है AIKCC की वहां से है, और AIKCC के ने ही SKM को खड़ा करने का काम किया है, जो आज हमारा प्रतिनिधि बैनर है आज हमारा संयुक्त किसान मोर्चे का। मैं आप सभी वक्ता साथियों का स्वागत करता हूं इस फेसबुक लाइव कार्यक्रम में। हमारे साथ में डॉक्टर अशोक धवले जी हैं, जो कि वर्किंग ग्रुप मेंबर हैं AIKCC के, किसान सभा के वो अध्यक्ष हैं, और आप जानते हैं लाल मार्च को सभी लोगों ने सुना हुआ है, इंटरनेशनली नोन है। किरण वीसा जी हमारे हैदराबाद से जुड़े हुए हैं, उन्हें हम लोग दोनों तेलंगाना और आंध्रा दोनों के प्रतिनिधि के तौर पर AIKCC में है वो। सुदामा प्रसाद जी हैं ऑल इंडिया किसान महासभा के, बिहार से हैं। श्रीमती वी नागम्मा जो है वो हमारे ऑल इंडिया कमेटी जो है उसमें है, उसकी सदस्य हैं, ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन का वो प्रतिनिधित्व करती हैं। बाल करण सिंह बरार जी जो है वर्किंग प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया किसान सभा अजय भवन के, जो राजेंद्र सिंह जी हैं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर सभा, SP सिंह जी हैं वाइस प्रेसिडेंट हरियाणा जय किसान आंदोलन, वेणुगोपाल नायर जी हैं प्रेसिडेंट ऑल इंडिया किसान सभा अजय भवन, जो इसके साथ में केरला के हैं, जो कॉमरेड पुजार जी हैं कर्नाटक स्टेट के सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया क्रांतिकारी किसान सभा के, गुरनाम सिंह जी हैं ऑल इंडिया किसान सभा पंजाब के, जय प्रकाश नारायण जी हैं उत्तर प्रदेश के वाइस प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया किसान महासभा के, महेंद्र यादव जी हैं NAPM के नेशनल अलायंस ऑफ पीपल्स मूवमेंट के, और डॉक्टर ए रंगास्वामी हैं नेशनल वाइस प्रेसिडेंट ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के, नूर श्रीधर जी हैं कर्नाटक जनशक्ति के। इस तरीके से आज हमारे साथ में 14 वक्ता हैं, और वक्त हमारे पास में जो समय है वो 2 घंटे का समय है, और इसलिए अभी तक जो समय चल रहा था वो चल रहा था 10 मिनट का, अब हमको थोड़ा कम करके 8 मिनट का उसको करना पड़ेगा। मैं साथियों अनुरोध करूंगा सभी साथी 8-8 मिनट में बात रखेंगे तो अच्छा है, जो 10 मिनट तक जाएगा उसको रोकने का सवाल नहीं है, क्योंकि ये एक जो हम लोगों ने तय किया था 10 मिनट का तय किया था, लेकिन हमें सभी राज्यों के सभी संगठनों के जो है साथियों को स्पेस देना इसमें जरूरी है, क्योंकि इसको लाखों लोगों के द्वारा देखा जा रहा है। मैं उसकी डिटेल्स बाद में दूंगा। मैं सीधे आता हूं अशोक धवले जी के पास में और उनसे अनुरोध करता हूं कि वे आज इस फेसबुक लाइव कार्यक्रम के माध्यम से जो लाखों किसान और उसके समर्थक जो उसे देख रहे हैं उन्हें संबोधित करें, और 26 तारीख की हमारी क्या अपेक्षा है, किस तरीके से वो भागीदारी और योगदान कर सकते हैं, उसके बारे में आप अपनी बात रखें। माननीय डॉक्टर अशोक धवले जी, धन्यवाद सुनीलम जी। मेरे सभी देश के पूरे किसान और मजदूर साथियों, आप सभी को बधाई, आप सभी को नमस्कार, आप सभी को लाल सलाम। आज एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन कल 26 मई को है। हमारा जो किसान आंदोलन 26 नवंबर 2020 हुआ, उसको 6 महीने कल पूरे हो जाएंगे, और उसी के साथ 26 नवंबर 2020 को
पूरे देश के मजदूर वर्ग ने भी एक पूरे दिन का हड़ताल था। देखते हैं कि उसको भी 6 महीने कल पूरे हो जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कल के 26 मई को ये जो मोदी सरकार है, जिस सरकार ने पूरे देश को और अपने जनता को गड्ढे में डालने का काम किया है, उस सरकार के 7 साल ये कल पूरे होते हैं। और इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा ने, AIKACC ने इन तीनों घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए यह ऐलान किया है कि कल का दिन बहुत बड़े पैमाने पर पूरे देश भर में लाखों जगह में हम काले झंडे इस मोदी और शाह के बीजेपी और RSS सरकार को दिखाएंगे, इसका प्रतिरोध करेंगे और उसके साथ लाखों गांवों में और शहरों के लाखों बस्तियों में भी हम मोदी सरकार के पुतले ये कल के दिन हम जलाएंगे, ये निर्णय हमने लिया है और उसकी तैयारी पूरे देश भर में बहुत ही जोर शोर से सब जगह में चल रही है। जैसे कि सुनीलम जी ने अभी जिक्र किया, कल एक बहुत बड़ी जीत हमारे हरियाणा के साथियों ने बहुत बड़ा संघर्ष करके आज उन्होंने हासिल की। हम लोग सब कल उधर हिसार में थे, 10,000 किसान पूरे हरियाणा से इकट्ठा हुए। 16 मई को जो दमन किया था किसानों के ऊपर पुलिस ने, इसके खिलाफ एक जबरदस्त प्रतिरोध वहां हुआ और सरकार को 350 से ज्यादा किसानों के ऊपर जो उन्होंने मुकदमे किए थे, लाठी हल्ला पुलिस ने किया, आंसू गैस पुलिस ने छोड़ा, कई लोग जख्मी हो गए और उसके ऊपर 350 किसानों के ऊपर उन्होंने मुकदमे लगाए। वो सब कल के बहुत बड़े प्रतिरोध प्रदर्शन के बाद उनको वापस लेने पड़े। ये बहुत बड़ी जीत न सिर्फ हरियाणा के किसानों की लेकिन पूरे देश के किसानों की कल हुई है और इस जीत से कल 26 मई का कार्यक्रम और ज्यादा जोर शोर से पूरे देश में होगा, इसमें कोई सवाल नहीं है। साथियों, ये किसान आंदोलन जो 6 महीने से चल रहा है, लाखों किसान दिल्ली के सभी सीमाओं पर बैठे हैं लगातार, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, चाहे सरकार का दमन हो, चाहे सरकार की बदनामी करने की मुहिम हो, ये सभी को जबरदस्त टकराव देते हुए ये लाखों किसान हमारे पंजाब के, हरियाणा के, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पूरे देश भर के किसान भी वहां पर कभी न कभी आकर वहां उन्होंने समर्थन दिया है। इस आंदोलन के जो 2 मुख्य स्वरूप के जो विशेषता है ये हमको ध्यान में रखने चाहिए। ये पूरे देश भर में फैला हुआ किसान आंदोलन में हर धर्म का किसान शरीक हुआ है, हर जाति का किसान शरीक हुआ है, हर भाषा बोलने वाला किसान ये पूरे देशव्यापी आंदोलन में वो शरीक हुआ है। और इसलिए मोदी सरकार को ये आंदोलन दबा देना ये बिल्कुल ये मुमकिन नहीं हुआ है पिछले 6 महीने में, क्योंकि एक किस्म की बहुत ही बुलंद एकता सभी धर्मों की, सभी जातियों की, सभी भाषाओं की, ये आज इस किसान आंदोलन में एक साथ आई है। इस किसान आंदोलन को, ये सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं है, पूरे जनता का आंदोलन है। हमने 2 भारत बंद में ये देखा, सभी केंद्रीय मजदूर संगठनों ने इसको समर्थन दिया, महिलाएं, छात्र, नौजवान, खेत मजदूर, दलित, आदिवासी, व्यापारी, ये सभी संगठनों ने ये किसान आंदोलन को समर्थन दिया है। और इसलिए ये आंदोलन एक बहुत ही अभूतपूर्व और ऐतिहासिक आंदोलन हमारे देश में और पूरे दुनिया में भी ये आज सिद्ध हुआ है। दूसरी विशेषता इस आंदोलन की यह है कि इस किसान आंदोलन ने पहली बार बहुत बड़े पैमाने पर ये सरकार की जो नव उदारवादी नीति है, ये पूरे उदारीकरण, निजीकरण,
ये वैश्वीकरण की जो नीति है उसको ठेस पहुंचाई है। पूरे जो कॉरपोरेट पूरे देश को आज अपने ताबे में लेना चाहते हैं, हमारे जमीन ताबे में लेना चाहते हैं, किसानों की किसानों को बर्बाद करना चाहते हैं, पूरा देश आज इन बड़े बड़े देशी और विदेशी कॉरपोरेट को आज ये मोदी सरकार बेचने को चली है। नाम लेते हैं आत्मनिर्भरता की, लेकिन काम करते हैं ये पूरे देश को बेचने का। और इसके खिलाफ ये जो तीन कृषि कानून है, जो चार लेबर कोड है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है जिसके तहत पूरे बिजली का क्षेत्र का निजीकरण किया जाएगा, पूरे देश के न सिर्फ किसान न सिर्फ मजदूर लेकिन पूरे जनता के जो बिजली के बिल आएंगे आज जितने आते हैं उससे 4-5 गुना ज्यादा बढ़ेंगे, ये अगर इस प्रकार का निजीकरण बिजली क्षेत्र का अगर हुआ तो। इसको हम विरोध कर रहे हैं। जो किसानों की बुनियादी मांग है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन का राष्ट्रीय किसान आयोग, उन्होंने जो सिफारिश की थी कि अगर ये पिछले 25 सालों में 4,00,000 किसानों ने उनको आत्महत्या करनी पड़ी है, इसको अगर रोकना है। हमारे देश में बड़े पैमाने पर आज फैल गया जो आज कृषि संकट है उसको अगर रोकना है तो डॉक्टर स्वामीनाथन के कमीशन ने जो पहली सिफारिश की थी कि हर किसान के हर फसल को आज डेढ़ अपने लागत खर्चे का 1.5 गुना दाम इसके रूप में MSP मिलना चाहिए और इसकी खरीद की भी गारंटी सरकार ने देनी चाहिए। आज के हमारे किसान आंदोलन का ये चौथा मुद्दा है कि MSP और खरीद की गारंटी देने वाला आज केंद्रीय कानून ये मोदी सरकार ने बनाना चाहिए, वो करने के लिए तैयार नहीं है। और पांचवा मुद्दा जिसका मैंने जिक्र किया, पूरे देश को बेचने का ये जो इनकी नीति है इसके खिलाफ भी रेलवे से बैंक बीमा शिक्षा स्वास्थ्य पूरे खदाने हर चीज में टेलीकॉम और हमारी सुरक्षा व्यवस्था सबको बेच डालने पर आज ये मोदी और शाह की सरकार तुली हुई है। इस देश को हम बेचने नहीं देंगे। सुनील जी ने एकदम सही कहा, ये सब जो मामले हैं उसकी बुनियादी और एक जो मामले है इसके अंदर हमारे देश के जनवाद को बचाना, हमारे देश की धर्मनिरपेक्षता को बचाना और हमारे देश के संविधान को बचाना। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जिसके शिल्पकार थे, आज इन तीनों चीज के ऊपर बीजेपी RSS की सरकार आज हमला कर रही है और इसलिए हम ये सब चीज आज इसके खिलाफ ये कल के 26 मई का पूरे देश भर का आंदोलन, ये ऐलान संयुक्त किसान मोर्चा और AIKSCC ने किया है। साथियों इसके अंदर और एक बात हम जरूर जोड़ेंगे कल के आंदोलन में, और वो बात क्या है, वो बात है ये कोरोना के समय में पिछले 1 साल हमारा पूरा देश ये कोरोना के अंदर आज डूब रहा है। हम देखते हैं आज 2.5 करोड़ से ज्यादा केसेस भारत में कोरोना की हुई पिछले 1 साल में, और मौतें कितनी हुई, 3,00,000 से ज्यादा मौतें हमारे देश में ये कोरोना की वजह से हुई। ये जो दूसरी लहर मार्च अप्रैल से शुरू हुई इसमें हमने देखा ऑक्सीजन के न होते हुए, वेंटिलेटर के न होते हुए, दवाएं नहीं है, हॉस्पिटल बेड नहीं है, हजारों लोग जिनकी जाने बच सकती थी वो मर गए। इसके लिए जिम्मेदार कौन है, इसके लिए जिम्मेदार ये मोदी की सरकार है क्योंकि उन्होंने कुछ उसके बारे में कोई भी इंतजाम नहीं किया। ये इंतजाम करने के बिना वो बंगाल में जा रहे थे और 40-50 सभाएं ले रहे थे और हजारों लोगों को इकट्ठा कर रहे थे, जिसका आज नतीजा बंगाल में आज देख रहे हैं, कोरोना जिस तेजी से बढ़ रहा है। ये सब हो रहा था हरिद्वार में, ये बीजेपी के केंद्र सरकार और उत्तराखंड के सरकार ने ये कुंभ मेला किया, लाखों लोग आए और उस कुंभ मेले से भी ये कोरोना पूरे देश भर में फैल गया।
ये ऐसे लोग बेवकूफी जैसे काम, गुनहगारी काम ये करते हैं, और यही जिम्मेदार है हमारे देश के जो हजारों हमारे साथी जो पिछड़ गए, ये हम देखते हैं। आपने देखा होगा साथियों, गंगा नदी में, दूसरे नदी में आज से हजारों मुर्दे आज तैर रहे हैं, ये हमने सीन देखा है पिछले कुछ दिनों में। पारुल खक्कर जैसे एक गुजराती कवयित्री, इन्होंने जो एक 14 लाइन की जो कविता लिखी है, वो आप सभी ने देखा होगा कि जो राजा नंगा है, इस प्रकार का पूरे देश भर में ये कोरोना के मामले में नरेंद्र मोदी की सरकार, बीजेपी के सरकार के खिलाफ आज बहुत ही गुस्सा लोगों के अंदर है। इसलिए किसान कानून, कृषि कानून के खिलाफ, लेबर कोड के खिलाफ, इलेक्ट्रिसिटी बिल के खिलाफ, एमएसपी के कानून के लिए और ये निजीकरण के खिलाफ, ये सब मामलों को मद्देनजर रखते हुए ये कोरोना का जो पूरी बर्बादी हमारे देश की ये मोदी सरकार ने की है, ये मामला भी कल के 26 मई के प्रदर्शनों में हम जरूर उठाएंगे। कोविड प्रोटोकॉल हम पालेंगे और इसके चलते एक नया विकल्प हमारे देश में, नीतिगत विकल्प, सिर्फ सरकार बदलने का सवाल नहीं है, लेकिन जो सरकार आएगी ये किसानों के पक्ष में, खेतिहार मजदूरों के पक्ष में, मजदूर वर्ग के पक्ष में, आम जनता के आज बाजू में ये नीतियां अपनाएगी, जनवाद और धर्मनिरपेक्षता की हिफाजत करेगी, संविधान की हिफाजत करेगी, इस प्रकार का एक विकल्प इस पूरे आंदोलन से हमको पूरे भारत में आज खड़ा करना है। और इस ये पूरे काम के अंदर SKM है, AIKACC है, हमारी अखिल भारतीय किसान सभा है, आप सभी के कंधों से कंधों को मिलाकर ये काम कल के दिन और उसके बाद में भी जितने महीने ये आंदोलन चलेगा, सभी किसानों ने तय किया है, जब तक हमारी जीत नहीं होती तब तक दिल्ली की सीमाएं हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। इस आंदोलन को पूरे देश भर से और ज्यादा बढ़ता समर्थन आप देते रहेंगे और बड़े पैमाने पर मिलेगा, इतना ही विश्वास यहाँ व्यक्त करते हुए आप सभी को फिर से बधाई और धन्यवाद देते हुए मैं यहाँ मेरे चंद शब्द पूरे करता हूँ। धन्यवाद, जय भीम, लाल सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने पूरा पृष्ठभूमि रखी और जिन मुद्दों पे फोकस करने की जरूरत है वो भी रखा। मैं किरण विशा जी से आग्रह करूंगा कि वे दक्षिण भारत की तैयारी के बारे में भी बताएं और इसको वक्तव्य अपना रखें। किरण विशा जी, सभी को नमस्कार। सुनीलम जी धन्यवाद। अशोक धावली जी ने बहुत ही अच्छे और विस्तार ढंग से बात रखी है पूरी आंदोलन के बारे में और इसकी आज की स्थिति और आज का कर्तव्य क्या है आंदोलनकारियों का। और मैं तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में काम करने वाला हूँ, तो इसलिए मैं अपनी बात इंग्लिश में, अंग्रेजी में रखना चाहता हूँ ताकि साउथ इंडिया के जो हमारे साथी हैं वो भी फॉलो कर सकें। मैं अनुरोध मेरा ये है विशेष जी कि आप जो है हिंदी वाला भी आप एक्स्ट्रा 5 मिनट लेकर के कर दीजिएगा, है ना, ताकि क्योंकि आप तो हिंदी जानते भी हैं, है ना, तो इसलिए या दोनों को मिला के बोल दीजिए ताकि समय बचेगा ट्रांसलेशन का, वो ज्यादा बेहतर होगा। प्लीज। ओके ओके, सो मैं इंग्लिश में अपनी बात रखूंगा और जो भी नए पॉइंट्स जो अशोक दावले जी अभी कह चुके हैं वो मैं रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन दूसरे पॉइंट्स जो है मैं हिंदी में फिर ट्रांसलेट करके रखूंगा। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी हु इज वॉचिंग दिस फेसबुक लाइव सेशन। इट्स अ वेरी हिस्टोरिक मोमेंट। 6 months since the farmers of Punjab and Haryana gathered outside the gates of Delhi, and that became the basis of a nationwide agitation of farmers. On November 26th, when the farmers were reaching Delhi, the government, both the union government as well as the BJP governments in Haryana and Uttar Pradesh and other places, did their best to stop the farmers from coming to Delhi, which they could not succeed. Then they did their best
to or did their worst. The governments did their worst to disperse the agitation, to break the agitation, to break the unity of the farmers, to get their party goons to attack the shibir which were there, the morchas which were there outside Delhi, and try to get them dispersed. But the farmers have actually stood very strong, and not only that, the farmers across the country have become part of this agitation. So now that 6 months have been completed, this is actually a very shameful occasion for the union government. And this is not something that only we are saying. Even people within the BJP party, within RSS and their affiliate organizations are also trying to tell the government that it's a very, very shameful thing, and it's a thing of high concern that lakhs of farmers are agitating, and even after 6 months, the government is not able to solve the problem or address the demands of the farmers in a satisfactory manner. So this is actually the biggest failure of the Modi government, and this is something which we should ensure will have repercussions not only in the immediate future, but for the political future of the Modi government. We actually wrote a letter on behalf of the farmers organizations that 6 months are going to be completed on May 26th, and we urge you to restart the dialogue with the farmers, because Sridhar ji, aap apna mute kijiye please. Sridhar ji, mute kijiye aap. Sabhi saathiyon se anurodh hai, mute kijiye, disturbance ho raha hai, please. Ji. Yeah, so it is 6 months, and for the last 3 or 4 months, the government did not have any dialogue with the farmers since January 22nd. So when we wrote to them asking them that the dialogue should be resumed, because the farmers want a solution to the problem. We don't want to just do halla. You've seen the very highly arrogant response of the union government, with the agriculture minister saying that whatever offer that we have given on January 22nd, that's the only thing that we are going to do, and we are not interested in any other dialogue. This is what the government is saying, even after 4 months, and the farmers are still continuing. So this shows the arrogance of the BJP government, and that is why tomorrow it is the duty of every farmer, every farmers organization, to participate in the agitation in the strongest possible way, even in the time of the corona and the lockdowns and so on. At the village level, the anger of the farmers against the union government and against the arrogant attitude of the union government should come out in full force tomorrow. So we are appealing to farmers across the country in all the states to participate in the Black Day of which has been declared on May 26th. You can participate in many ways at the village level by farmers getting together with black flags and doing a demonstration, because at the village level, even in the lockdown time, there is no restriction on people coming out and gathering with the due precautions. We urge farmers and all the supporters of farmers to fly a black flag on their homes. We urge all the farmers organizations to organize protests at the mandal headquarters, at the block headquarters, at the district headquarters, and at the state, in the state capitals, so that the message goes very strongly that the farmers across the country are actually standing against the BJP government's attitude to the farmers' movement. We saw the statement of Bharti Kisan Sangh, which Dr. Sunilam also mentioned at the beginning, that they are going to oppose this May 26th program of the farmers. I would like to say that firstly, the Bharti Kisan Sangh, when these three ordinances came out, they also spoke against these ordinances. They said that these ordinances should not be passed as acts in the present form. They actually did a show of gathering 2 lakh signatures of farmers and sending a letter to the Prime Minister saying that these ordinances should not be passed in the current form, and they also gave a list of demands that they had. Today, we are asking the Bharti Kisan Sangh, what happened to all those demands that you had?
So every farmer, we actually appeal to every farmer who may be part of Bharati Kisan Sangh also to ask their organization, do you stand for the farmers or do you stand for the Modi government even when they take an anti-farmer stand? Stand for the farmers or do you stand for the demands of the farmers which the which we have put forward before the Modi government? Or do you just stand in political support to the Modi government even if they ignore our demands? This is the question that the farmers should ask Bharati Kisan Sangh. And we are saying that Bharati Kisan Sangh has actually proved that they are an anti-farmer organization, not a farmers organization, by taking this kind of attitude to this historic nationwide agitation. So we urge farmers of all sections to participate in this. Especially in South India also the agitation is happening very strongly. Tomorrow in all the block headquarters as well as in thousands of villages in Andhra Pradesh and Telangana, black flag demonstrations are going to be held. And the same is true with Karnataka, with Tamil Nadu, with Kerala. It is the wrong propaganda of the union government that this farmers agitation is limited to only two or three states, Punjab, Haryana, and Uttar Pradesh, which is absolutely not true. We have already shown that in the last 6 months, whether it is in the January 26th parades, which were held across the country, or the various events, almost every 1 week or 2 weeks, huge mobilizations of farmers are happening. We have shown that this is a nationwide agitation. The BJP government also got a taste of this in the West Bengal elections and in the elections in other states like Kerala and Tamil Nadu, that actually the farmers' anger and the anger of the rural India is something which has been felt by the Modi government and by the BJP party also. But still, they are playing this game of not listening to the farmers' interest and standing with the corporates. The reason for this is that the Modi government owes more to Adani and Ambani, and they owe their allegiance to Adani and Ambani and also the multinational corporations like Walmart and Amazon and everybody who wants to take over the agribusiness sector and the food sector in the country. And they don't owe the allegiance to the common people and to the farmers of India. So for this position that they have taken, Modi government should be made to learn a lesson. So that is the main purpose of tomorrow's thing. I would like to also state that this 6 months of agitation, we should remember that the farmers' movement has already achieved a lot of victories. It is not that we have been agitating for 6 months and we have, we are still in the same position as we were on November 26th. No, these three black laws that we are agitating against, they've already been put on hold indefinitely. They have not been in operation for the last 6 months. And we can see what a difference that has made in the market yards. In Telangana, when these laws, the new laws came into operation, we went to many, many market yards and we found that the sales in the market yard, the crop sales had fallen by 50%. And many of the market yard officials themselves were saying that if these laws continue to be in effect, then we'll have to close down our market yards because we are getting hardly any income to even maintain the basic facilities of the market yard. This was the effect of these three laws. You know, in those 6 months from June 5th till the end of December. But now those laws are no longer in effect. And this is an indefinite hold that the Supreme Court has put. Not only that, the government also had to step back from the electricity ordinance that they will actually withdraw the electricity bill in the current form. They also withdrew the ordinance that they passed on the, which criminalizes the farmers of Punjab regarding the air pollution. So many victories have been achieved. Not only that, this movement has actually made the entire farmers agitation as a nationwide movement. We can see Mahapanchayats happening in not only in Haryana, Uttar Pradesh, but also across the country in Telangana, in Tamil Nadu, in Kerala, in Karnataka also, and many states of East India and West India, that the farmers are coming out in thousands against these laws.
Sunilam ji just referred to what happened, and Ashok Davle ji also, what happened in Hisar yesterday. 10,000 farmers standing against the Haryana state government's actions. So farmers are on the move, and this is something which the Modi government, whatever it does, it cannot turn it back. And the third achievement of the movement is that all sections of the society are in support of the farmers' movement. It is workers, it is unions, it is students, it is women's organizations. Not only that, the common person of the urban middle class in India is Kiranji, also... Kiranji, yeah. Samay hua hai. Yeah, okay. I'll just conclude in 1 minute. So I'm saying that the urban middle class common person is also in support of the farmers, because whether they understand the nitty gritty of the laws or not, they can see the sacrifice of the farmers. The fact that the farmers, lakhs of them, have stayed in cold in the peak winter and in the peak summer now outside the gates of Delhi at the Delhi borders, braving these whole conditions as well as the repression of the government, that sacrifice and the commitment of the farmers is what has touched the hearts of people across the country. Now there is no turning back. There is no way the government, whatever it says, can convince people that the farmers' agitation is wrong and the government is right. That moment has passed, and that is an achievement of the farmers' movement. So the need of the moment is that we as farmers organizations should be very confident that the victory is ours. But at this time, we have to intensify the agitation and not let it weaken. Even in the face of corona or lockdown or all these kind of adverse conditions which are there, it is our duty to intensify the agitation. That is the call for tomorrow. And we hope that farmers across the country in all states will participate in a big way and make this successful. And the May 26th will become another turning point in this agitation, where it will lead to more intensification and pressure on the government, and the government. Kiranji, thank you very much. Right. Thank you. Yeah. Thank you. So, Sunilam ji, Hindi mein 2 minute mein rakhun? Yeah. 2 minute mein ho nahi payega, lekin aap agar दो बातें मैं कहना चाहता हूँ कि आज जो किसान का आंदोलन चल रहा है वो 6 महीने हो चुका है. वो अभी तक बहुत कुछ हम हासिल कर चुके हैं. ये कॉन्फिडेंस के साथ हमें ये लड़ाई को और मजबूत और तेज करने की जरूरत है आज के दिन, क्योंकि ये 3 काले कानून जिनके खिलाफ हम लड़ रहे हैं वो पिछले 6 महीने से वो सस्पेंड हो चुके हैं और वो अभी चालू नहीं है. ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है. इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल के किसानों का उन्होंने निकाल दिया है. और जो ये आंदोलन जो है, ये देशव्यापी आंदोलन बन चुका है और देश के सभी तबकों का इस आंदोलन के लोग इस आंदोलन के समर्थन में आ चुके हैं. सिर्फ ट्रेड यूनियंस और विमेन्स ऑर्गेनाइजेशन और ये संघ जो संगठन है वही नहीं, जो कॉमन पर्सन है अपन मिडिल क्लास में शहरों में रहने वाले, वो भी इस किसान आंदोलन के समर्थन में है और इसके ये देख चुके हैं कि कितनी कठिनाई को सामने करते हुए किसान वहां दिल्ली के बॉर्डर में बैठे हैं और उनका जो सैक्रिफाइस है वो देशवासियों के मन को जीत चुका है. यानी कि बहुत सारे जीत हम हासिल कर चुके हैं और अभी हम नहीं हटने वाले हैं, इसको इंटेंसिफाई करके और मजबूत करके बहुत बड़े जीत हासिल करने वाले हैं. धन्यवाद, नमस्कार, जिंदाबाद. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. मैं आग्रह करूंगा सुदामा प्रसाद जी से, जो ऑल इंडिया किसान महासभा बिहार से को प्रतिनिधित्व करते हैं. इसके बाद में श्रीमती वी नगम्मा जी बोलेंगी खेत मजदूर संगठन से, और उसके बाद में बाल करण सिंह बरार जी बोलेंगे. जी, सबसे पहले साथी सुनीलम जी और इस कार्यक्रम में शामिल तमाम साथी और जो साथी देख रहे होंगे, सब लोगों को लाल सलाम है मेरा. और मैं समझता हूँ कि इसकी तैयारियों पर विशेष फोकस करना चाहिए हम लोग. कल का जो हमारा प्रोग्राम है पूरे भारत में काला दिवस मनाने का, तो उस काला दिवस कार्यक्रम की तैयारी के क्रम में
हम लोग अपने अपने राज्यों में क्या कर रहे हैं। तो हमने तो यहाँ जो हमारे अखिल भारतीय किसान महासभा राज्य परिषद के सदस्य हैं उन तमाम लोगों को बेहतर ढंग से कार्यक्रम को मनाने की हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे पहला है कि गांव-गांव में ज़्यादा से ज़्यादा गांव-गांव में काली पट्टी बांधे जाएंगे और किसान नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन करेंगे। आवाज नहीं आ रही आपकी सुदामा जी। लॉकडाउन के जो प्रोटोकॉल हैं उनका अनुपालन करते हुए हम लोग अधिकतम गांव में इस कार्यक्रम को मनाने का कार्यक्रम बनाएं। तो इसकी सूचना तमाम साथियों को है, यहाँ तक कि जो ब्लॉक कमेटी के मेंबर हैं उन तक हम लोगों ने, जिला कमेटियों के मेंबर तक जो किसान महासभा के हैं, इस कार्यक्रम को व्यवस्थित ढंग से पहुँचाया है, नारे भी दिए हैं। तो पहली तो बात ये है। दूसरी बात कि ये 6 महीना हो गया इस किसान आंदोलन को, तो मैं समझता हूँ कि अब सिर्फ खेती का सवाल नहीं है। जैसा कि सुनीलम जी ने शुरू में ही कहा कि ये देश बचेगा तभी खेती रहेगी। एक एक करके तमाम तबकों को मोदी जी की सरकार ने पीटा है, उनके हक अधिकार को लूट करके, छीन करके अडानी अंबानी के हवाले किया है। चाहे वो रेलवे कर्मी हो, चाहे वो हवाई जहाज वाले हो, बंदरगाह वाले हो, संचार कर्मी हो, डाक कर्मी हो, बैंक वाले हो, सबको बारी बारी से। और ये जो किसानों के ऊपर इन्होंने हाथ डाला तो दरअसल इसी ने पूरे देश को संगठित किया है। देश इसे किसान आंदोलन के माध्यम से संगठित हुआ है। हर तबके जब उनकी, मैंने कहिए कि आपकी आवाज चली गई है सुदामा जी, ने पूरे है, तो मैं समझता हूं कि देश तो इन्होंने पहले ही बेच दिया है, अब ये खेती बेचने की तैयारी है। तो किसान ने इसको बड़े ही गंभीर ढंग से लिया, खास करके पंजाब के किसान साथियों ने इसको गंभीरता से लिया और पहला जो है मोर्चा दिल्ली में पंजाब ने जमाया। अब तक करीब 500 हमारे किसान शहीद हुए हैं। हम अपनी तरफ से और किसान महासभा की ओर से उन तमाम लोगों को अपनी श्रद्धांजलि देते हैं और हम उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि हम आपकी शहादत को बेकार नहीं जाने देंगे। तो मुझे लगता है कि हमारे पिछले के वक्ताओं ने भी कहा है कि वो एक एक करके पूरे देश को बेच रहे हैं, बेच दिया है। तो मुझे लगता है कि इस किसान आंदोलन से एक नारा उठे, अब ये सिर्फ खेती बचाने का सवाल नहीं है कि 3 कानून रद्द कर दो, बल्कि इनको गद्दी से हटाने का सवाल किसान आंदोलन को अपने एजेंडा में एक नंबर पर रखना चाहिए। और मुझे लगता है कि एक नारा मैंने बनाया है, देश बेचू आदमखोर, देश बेचू आदमखोर, मोदी शाह गद्दी छोड़, एक नारा जो है पूरे देश में गूंजे। ये नारा हम लोगों ने दिया है, यहाँ बिहार में दिया है और चल रहा है। तो मुझे लगता है कि एक नारा किसान आंदोलन सोच ले, इस पर विचार कर ले कि ये नारा सही होगा या फिर दूसरे ढंग के नारे होंगे। एक ऐसा कोई नारा जो पूरे देश का नारा बन जाए, वो सिर्फ किसानों का नहीं बल्कि देश के हर बच्चा बच्चा के वो जुमान पर गूंजे। आज इस सरकार के खिलाफ में, शुरू में तो लोगों को नहीं लग रहा था मोदी 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 मोदी, अच्छे दिन आएंगे, 15 लाख रुपया आएगा हर साल, 2 करोड़ नौकरी मिलेगी। इस देश का जो युवा है वो बहुत ज्यादा गुस्से में है, युवा गुस्से में है, जो बैंक कर्मी हैं, जो कर्मचारी हैं, जो शिक्षक हैं, जो रेलवे कर्मी हैं, सारे लोग गुस्से में हैं और इस सरकार को उखाड़ना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि अब लॉकडाउन है, अब लॉकडाउन के हिसाब से हम लोगों को कार्यक्रम तय करना है आंदोलन का। तो लॉकडाउन खत्म हो तो मैंने एक देशव्यापी मुहिम चले, देश व्यापी मुहिम चले इन लोगों को गद्दी से उखाड़ कर फेंकने का। अब 3 कृषि कानूनों को रद्द करने का सवाल नहीं है, अब यहीं तक मामला नहीं रह गया है। खेत देश रहेगा, लोकतंत्र रहेगा, तभी हमारी खेती भी बचेगी। इसलिए इन लोगों को
हटाना जरूरी है, इन लोगों को हटाना होगा। मैं समझता हूँ कि इस दिशा में हमारे किसान नेताओं को सोचने की जरूरत है। पहले के जो यहाँ कार्यक्रम हुए 6 महीनों में, उसकी चर्चा हमारे किसान महासभा के नेताओं ने किया होगा कि हम लोगों ने भारत बंद में क्या क्या किया, या फिर बिहार बंद भी किया, या फिर 29 दिसंबर 2020 को राज्यपाल माने राज्यपाल भवन मार्च, जो हम लोगों ने राजभवन मार्च किया था, जिस पर डाक बंगले चौराहे पर लाठी चार्ज हुआ, भयानक लाठी चार्ज, हमारे दर्जनों नेताओं का कहिए कि माथा टूटा, हाथ पैर टूटा। अब तो वो उसकी रिपोर्ट हो चुकी होगी, लेकिन हम लोग अब जो अभी कोरोना काल में यहाँ की स्थिति है, बिहार की स्थिति है, किसानों की बहुत ही दयनीय स्थिति है। खास करके जो सब्जी उत्पादक किसान हैं, जो टमाटर अभी पैदा किए हैं, भिंडी पैदा किए हैं, नेनुआ लौका पैदा कर रहे हैं, उनकी हालत इतनी पतली है कि यहाँ जो है लॉकडाउन में ढील जो है 4 घंटे का है, सुबह 6 बजे से 10 बजे, 6 बजे से 10 बजे कौन जाता है खरीदारी करने के लिए, उनका नहीं बिक रहा है। यहाँ तक कि जो वो सब्जी तोड़वाते हैं उसकी मजदूरी भी नहीं लौट रही है, किसानों ने खेतों में सब्जियों को छोड़ दिया है। तो हम लोगों ने तो यहाँ अभी माने कहिए कि 22 तारीख को एक माने आंदोलन चलाया है यहाँ पर सब्जी उत्पादक किसानों के लिए, कि सब्जी उत्पादक किसानों को प्रति एकड़ 25,000 रुपये का लॉकडाउन भत्ता दो, और दूसरा गेहूं की खरीद नहीं हो रही है समर्थन मूल्य पर। तो इसके लिए भी ये मांग थी कि जो है सरकारी रेट पर जो है 1975 रुपये किसानों से गेहूं की खरीद की जाए, और इधर जो DAP का दाम बढ़ाया 700 रुपया खाद पर, उसकी वापसी की मांग को लेकर के हम लोगों ने पूरे बिहार में धरना दिया, और 26 तारीख के कार्यक्रम का भी हम लोगों ने प्रचार किया। तो यही हम लोगों का कुछ राय सुझाव है, ठीक ना? और मैं समझता हूँ कि साथी लोग ये जो अभियान चलाए हैं, इस तरह से पूरा जनता जो है वो हमारे कार्यक्रम को देख रही है, किसान देख रहे हैं, छात्र युवा देख रहे हैं, ये बहुत स्वागत जो कदम है। ये मैंने एक साल से कहिए कि कोरोना है, एक साल में जनता का हर तबका कंगाल हो गया। भारत का कौन सा वो घर नहीं है जिसकी बची बचाई पूंजी नहीं टूटी, पूंजी टूट गया व्यापारियों का, शिक्षा कर्मचारियों का, किसानों का, मजदूरों का, जो कुछ जमा किया था। लेकिन इसी कोरोना काल में गौतम अडानी जो है एशिया महादेश के दूसरे सबसे अमीर हो गए, मुकेश अंबानी 1 नंबर के हो गए। एक साल में गौतम अडानी की पूंजी जो है 2,40,000 करोड़ बढ़ गई, और सबकी पूंजी जो है गायब हो गई। ये देश बेचू सरकार है, ये देश को अडानी अंबानी के हवाले कर रही है, तमाम संसाधनों पर ये कब्जा दिलाना चाहते हैं, और देश की जितनी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं सबको ये धीरे धीरे करके नष्ट कर रहे हैं। जो भी इनकी नीतियों का विरोध कर रहे हैं उनके पीछे ये CBI लगा दे रहे हैं, ED लगा दे रहे हैं, केस कर रहे हैं। अगर कोई पोस्टर लगा दे कि देश की मोदी जी बताओ हमारे बच्चों का वैक्सीन विदेश क्यों भेजा, तो उन पर वारंट जारी होता है, छापामारी करके उनकी गिरफ्तारी होती है। इनके जो MP हैं छपरा में, राजीव प्रताप रूड़ी भाजपा के, उनके यहाँ दर्जनों एम्बुलेंस ढक करके रखा गया था, जिससे बालू और शराब की ढुलाई हो रही थी। इसका पर्दाफाश किया यहाँ पप्पू यादव ने, तो उनको पकड़ करके जेल में बंद कर दिया। ये खुलेआम जो है विश्व हिंदू परिषद का नेता जो सबरजीत दसवाल जबलपुर में रेंडी सेमिर का नकली मंगा करके ये माने ब्लैक कर रहे थे, वो पकड़ा गया। भाजपा के नेता पकड़े गए ऑक्सीजन का कालाबाजारी में। ये ऐसे ही लोगों की पार्टी है, और इन लोगों से ये उम्मीद करना कि ये सस्ते में मान जाएंगे, 6 माह से हम लोग डटे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि कॉरपोरेटों का विश्वास उठ जाएगा अगर इन कृषि कानूनों को वापस लिया तो इसका मतलब है कि कॉरपोरेटों के फायदे के लिए देश में पहला बार देखा देश ने कि कानून बाद में बने और अडानी अंबानी के गोदाम जो है पहले बन गए। अडानी ग्रीन के नाम से इनका पूरे देश की खेती को अपना मन हड़पेंगे। तो मैं समझता हूं कि किसानों ने पूरे देश को एक कर दिया है किसान आंदोलन ने, और अब जो है देश बेटू जो है मोदी शाह की जोड़ी को, आदम खोरों की इस जोड़ी को उखाड़ फेंकना है। साथियों ने कहा धन्यवाद जी, जी ठीक है ठीक है। साथी ने कहा गंगा के बारे में एक बार वो नारा फिर से जरा बता दीजिए धीरे धीरे जरा। हाँ, देश बेचू आदमखोर,
जी देश बेचू आदम खोर, हाँ मोदी शाह गद्दी छोड़, मोदी शाह गद्दी छोड़, ठीक है बिल्कुल। हाँ ये नारा लगे हम लोगों ने तो देखा, मैंने गंगा नदी में भोजपुर में हम लोगों ने कोरोना पीड़ितों को, मैंने हमारे जो छात्र नौजवान साथी हैं वो हॉस्पिटल में रह करके सेवा किए, उनका दाह संस्कार करवाए मरने पर। यहाँ भी जो गंगा में लाशें बह करके आई, भोजपुर में उनका संस्कार किया गया, भोजपुर में संस्कार हुआ, जोगी जी ने उधर से लाश भेजा और भोजपुर बिहार ने उनका संस्कार करवाया। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उठाए हैं। अब मैं वी